बहुत करते हैं भाई। तो देखिए यूपी में नकल करना पाप है बचपन से। दो तीन मुद्दे हैं जो रासुका के बारे में भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो घड़ियाली आंसू बहा रही है। उत्तर प्रदेश में यदि छत भी गिर जाए तो इंजीनियर पे रासुका लग जाता है, गोकसी में रासुका लग रहा है, और तो और हद हो गई जब बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहाँ यदि नकल पकड़े जाते हैं तो उसमें रासुका लग रहा है। शिक्षकों पे उसको मतलब संपत्ति रात सात तक करने का आदेश, ये उत्तर प्रदेश में जो मोदी और शाह जी के बाद सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ, और वो हर मामले में रासुका लगा रहे हैं, बच्चों पे नकल करने पर भी उस पर रासुका लगा रहे हैं, ये जानकारी है। और यहाँ वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। दूसरी तरफ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आटे के कीमत एक साल में 40% महंगा हो गया है। यदि सेंट्रल पूल से मार्केट में रिलीज नहीं किया गया तो और भी बढ़ सकता है। दूसरी तरफ आज हमारे प्रवक्ता ने ये कहा है कि एक साल में 14 से लेके 22 तक के 66,249 रुपये प्रति व्यक्ति कर्ज में और इजाफा हुआ है। पहले 43,000 था, अब वो 66,000 और बढ़ गया है। तो प्रति व्यक्ति जो कर्ज है देश में वो 1,00,000 से ऊपर हो गया है। ये इनकी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की। आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी की दोहरा चरित्र उजागर हो गया। विधानसभा में तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण सर्वसम्मति से पास करते हैं, लेकिन राजभवन के माध्यम से उसको लटकाए रखे हैं। उनको तो चाहिए कि राज्यपाल से अपील करें और हस्ताक्षर हो उस बिल पे, ताकि यहाँ के हजारों लाखों